ये पूरा जितने पहाड़ आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सारा बर्फ से भर रखा है। -8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था यहाँ पर। काउंटर मार रहे अपना सामान लेते हुए, और हम अभी हर्षिल के रास्ते में, मतलब सेव ले चुके हम लोग। गुड मॉर्निंग पीपल, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू दिस सेम व्लॉग ऑफ द सेम सीरीज, क्योंकि ये व्लॉग मैंने कल फिनिश नहीं करा था एंड बट जो आज का व्लॉग है शायद से मैं इसे नए उसमें डालूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे मैं अपने पहले व्लॉग कहता हूँ। बाकी एट प्रेजेंट मैं हूँ अभी हर्षिल में, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ तक चेक करें आप, ये पूरा जितने पहाड़ आपको ऊपर दिख रहे हैं ये सारा बर्फ़ से भर रखा है। पीछे जो वाला पहाड़ वो पूरा बर्फ से, इससे थोड़ा इतना ज़्यादा धूम दिखने वाला हुआ है ना। और हम कल शाम को हम गए थे इस टॉप में, यहाँ से हम पैदल चल के उस तरफ कहीं टॉप में गए थे, वहाँ पर रात को हम चिल मारते थे, बट अंधेरा था तो मैं पूरा कुछ व्लॉग व्लॉग कर नहीं पाया था। बाकी आज का मैं आपको प्लान बताता हूँ। तो गाइस आज का प्लान इस तरह से है कि हमारा प्लान जो कि मैंने कल के व्लॉग में बताया था, हमारा प्लान था गंगोत्री जाने का, बट ड्यू टू सम एमरजेंसी हमें आज वापस निकलना है। हमने जो ये जो जगह है ये पीछे ये अंदर हमने रूम्स ले रखे हैं, हम सब 6 जन, हम 3 बेड 3 डबल बेड साथ में है, और मैं आपको आपको दिखाता हूँ। बाकी ये था कि हमने 2 दिन का पेमेंट कर दिया था, बट कुछ एमरजेंसी की वजह से हमें आज ही निकलना पड़ेगा वापस डाउन हिल। तो हमारा प्लान है कि अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे, क्योंकि कल हमारा था कि यार कि हम आराम से घूमेंगे है ना, ऊपर तक जाएंगे फिर आके एक्सप्लोर करके वापस निकलेंगे आराम से। आज भी स्टे करने का था यहाँ पर ही, बट ये क्योंकि हमें आज जल्दी से निकलना है तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आगे जाके ब्रिज वगैरह है इस तरफ जाके, है ना, तो सोचा कि उस तरफ जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ फोटो वोटो क्लिक करेंगे, रील्स शूट करेंगे, और वहाँ से फिर हम वापस नीचे की तरफ निकलेंगे। तो ये है हमारा आज का प्लान, बाकी कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी बने रहेगा भाई के साथ और मिलते जल्दी, चलो लेके चलता हूँ आपको अंदर। तो गाइस ये है कुछ रूम के हाल, ये डबल बेड और हाँ मतलब 3 डबल बेड है ना, वहाँ से सीढ़ी है, वो उधर वॉशरूम है, सब चीज़ गीज़र सब चीज़ें। तो पानी तो यहाँ तो इतना भयंकर, माइनस कितने चल रहा है टेम्परेचर, -8 डिग्री टेम्परेचर हो रखा था यहाँ पर रात में, भयंकर। अभी मतलब हाथ जो खुले ना बिल्कुल फ्रीज हो रखे, ऐसे हो रहा है, तभी कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। बाकी ये था कि ये जगह है, इसका प्राइस वगैरह सब चीज़ मैं आपको आराम से बताऊंगा, है ना, बने रहेगा वीडियो में, जो भी प्रॉपर चीज़ें हैं प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको दूंगा। ताकि और जो कल रात का खाना था भाई बहुत अमेजिंग था, खाने का कुछ शूट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि हमने सब चीज़ पैक करके हम चार्जिंग में लगा चुके थे। तो बाकी जो भी चीज़ है आपको डिटेल्स में बाद में दूंगा, बने रहेगा, मिलते बाद में। और ये था मेरा बेड, और राहुल भाई इधर सोते, और यहाँ से आप मेन चीज़ तो नज़ारा चेक कर, अबे यार ठंड हो गई भाई दोस्तों, बट ये देखो ये चेक करें आप, ये इतने से गैप से मैं आपको ये दर्शन दिखा रहा हूँ, व्यू दिखा रहा हूँ, है ना, बहुत ही प्यारा है। भैया डू नॉट डिस्टर्ब पूरी बालकनी है, वहां से दिखा लीजिए, ये देखो बहुत ही गंदे काउंटर मार रहे तो मेरा बेसिकली बस यही है ना, ये बैग और ये छोटा बैग है ना, इसमें क्या ये गोप्रो वगैरह है, कुछ चार्जर वगैरह है, कहीं पर भी रुके तो चार्ज कर सकते हैं। मेन बैग ये है जिसमें सारे कपड़े हैं, अब तो कपड़े कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे मैंने इसके अंदर 2 टी शर्ट टाइप के थे, एक फुल था एक हाफ था, वो दिन मैंने अंदर से पहन रखा है, फिर उसके अंदर एक विंड सीटर पहन रखा है ये वाला, और फिर उसके ऊपर आज मैंने एक बार फिर ये भी कर रखा है। तो गाइस रूम से बाहर निकल चुके हैं, दोस्त लोग हैं, अभी चेकआउट तो नहीं करा, सामान सामान हमने पैक कर दिया, तो ये सारी चीज़ गाड़ी में रख रहे हैं। एक और चीज़ हर्षिल से हम तीन लोगों ने कहा तो एप्पल का पूरा वो जो बड़ा सा डब्बा होता है वो हमने जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, वो सब चीज़ हमने यहाँ से खेलते हैं वो कर लिया है, 3 हमने ले लिए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सामान रखते हैं और लेके आते हैं वहाँ से। ये चेक करो आप, ये पूरा यहाँ पर ठीक है, पूरा ये बर्फ जम गया है, देखो पूरा जम गया है, ठंडा। तो दोस्त ये है हर्षिल, हमने जो मैंने अभी दिखाया था जो कार खड़ी है हमारी, हमने जो मैंने दिखाया था तो वहाँ पर हमने वहाँ से डिनर करा था। ये है हर्षिल का फेमस मोमो का जगह,
अरे वो वाला UNR कैफे, एंड हमारा जो ऊपर राहुल भाई खड़े हैं तो ऊपर हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, थर्ड वाले में, है ना। और ये है यहाँ का व्यू, देखिए आप। एंड रात को था, रात को था -8 डिग्री शायद, हाँ -8 डिग्री सेल्सियस था, भयंकर ही था। तो अभी तो फिलहाल काफ़ी धूप निकल चुकी है तो काफ़ी सही हो चुका है, नहीं तो रात को तो भयंकर। और हम तो मतलब रूम से बाहर नहीं निकल पाए बिल्कुल, बैठे थे जो हाथ उठ बाहर, अभी भी ऐसा है कि हाथ बाहर कर रहे तो हाथ बिल्कुल फ्रीज हो जा रहा है। बाकी अभी धूप आ गई है तो बहुत अच्छा तो लग रहा है। तो हम जा रहे जी, थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं एप्पल लेने के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पर बहुत फेमस एप्पल आपको सबको पता ही है। ये चेक करें गाइस आप, तो हमने ये वाले देखे, भारी होगा ना। चलो था, तो था, इसको पकड़े अभी उठाते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं। और यहाँ पे मजदूर टिंकू आ रहा है अपना सामान लेते हुए, और हम अभी हर चीज़ के रास्ते में मतलब सेव ले चुके हम लोग। और ये देखो मजदूरी, क्योंकि मेरे हाथ में लगी हुई है तो भाई हेल्प कर रहा है एप्पल आने में। थैंक यू अंकल, ऐसे लेके जाएंगे मैं करके। हाँ जी अंकल, नमस्कार। सेब की तस्करी होती हुई, तस्करी हो रही है यहाँ पे सेब की, पूरी की पूरी है। ये जो सुबह चलते चप्पल चलते जो पूरा जम गया था, रात का बर्फ़ कहे या कोहरा कहे, तुम क्या कहे जो भी है, है ना। तो अब धूप निकला तो सब पिघल के, दिख रहे हैं सब पिघल के नीचे गिर रहा है पानी। और अभी आपने देखा होगा जो एप्पल का पूरा एक बॉक्स था वो लिख गया, हमने ऐसे तीन बॉक्स ले रखे। तो वहाँ पर आगे की तरफ कहते वो है जहाँ पर कहते पूरा ये डिलीवर होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है वहाँ से, तो वहाँ से सीधा तो वहाँ पर कार है, वहाँ तो पता लग गया। और कंधे में उठा के तो भाई मतलब ठीक है उठा लूँगा, पर ठंड इतना मतलब हाथ जम जा रहे एक तो, और दूसरी चीज़ कुछ देर तक अगर हम रहेंगे ना करके और बस बॉडी लचक ना जाए, तभी मैंने उसको बोल दिया भाई कार को, क्योंकि कार में ना आगे पूरा बर्फ़ जम रखा है शीशे में, तभी हम कार उठा के लेके जा नहीं पाए। तो यही है कि अभी ऑन कर रखा है, कुछ देर तक रुकते हैं फिर गाड़ी को, फिर हम सीधा वहीं पर लेके जाएंगे, तो वहीं पर इसे डायरेक्ट वो कहते उठा के उसमें रख लेंगे। दो पेटी और रह गए हमारे, हमने तीन लिए थे, अब मैं और राहुल भाई उठा के लेकर चलेंगे। ये चेक करें बॉयज आप, ये चेक करें। उप्स चलो अब ये लेके चलते हैं, ये चेक कर लो बॉयज, ये पूरे अच्छे से भर गए यहाँ पर। ये नहीं आएगी भाई, इसको आगे रखना पड़ेगा बीच में, और आगे के बीच में वो चेक करो पहाड़ पूरा ऊपर से भर लेते हैं। हमारा प्लान था अभी उस स्टॉप पे आने का, बट क्योंकि कुछ इमरजेंसी की वजह से हमें निकलना पड़ रहा है, तो दैट्स ओके। तो गाइस हर्षिल की वादियों में ये हमारा अभी आखिरी वक्त कुछ चल रहे हैं, एंड हम यहाँ से अभी बस वापस निकल रहे हैं। अभी हम जाएंगे रास्ते में, जाएंगे रास्ते में कुछ ऐसे स्पॉट्स देखे थे हमने जहाँ पर हमें रुकना है, क्लिक करना है, तो हम सोचे कि यहाँ से निकलते हैं। एंड ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें यहाँ से निकले हैं क्योंकि जल्दी भी निकलना है वापस। तो गाइज अपडेट देता हूँ, अभी बस हम थोड़ा सा
हर्षल से थोड़ा सा आगे की तरफ गए थे हम, और यहाँ पर रुक के हमने कुछ फोटो शूट करा। जस्ट टाइम पहले कि धूप निकल गई है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कैसे लग रहा हूँ, चोर लग रहा हूँ, डाकू लग रहा हूँ, विलन लग रहा हूँ या साइड एक्टर लग रहा हूँ, एक्टर तो लग नहीं रहा हुआ फॉर श्योर। एनीवे मैं कुछ अपडेट्स देता हूँ आपको। जो हमने रूम लिया था वो मैंने जो आपको मैंने दिखाया, अंदर से दिखाया, बाहर से दिखाया, तो वो हमें पड़ा कितना पड़ा था हमें पर पर्सन 2 दिन का हमें 1000 पड़ा था। बट एक्चुअली हमने 2 दिन का लिया था, बट रुके हम 1 दिन ही क्योंकि हमें कुछ इमरजेंसी पड़ गया। आज भी हमें यहाँ पर रुकना था, आज का भी हमें पेमेंट करना था पूरा। हमने 6 बंदों का कितने 6000 के आसपास हमने कर लिया था, तो मतलब पर बंदा 2 दिन का 2 दिन का 1000 पड़ रहा था हम पर, जो कि वे वे बेटर है और अदर होम स्टेज सब चीज़ें, क्योंकि 1 दिन का ही 1000 रुपये 1200-1500 है ना, इतना लग जाता है। तो यहाँ पर हमें कहते तो अपने रूम का 1 दिन का हमें 500 लगा बस। बाकी जो खाना था, जिस रेस्टोरेंट का मैंने फ़ोटो दिखाया था आपको, वीडियो दिखाया था, तो वो खाना भाई बहुत ही प्यारा, नॉन वेज नहीं था, वेज ही था, बट देखिए बहुत ही डिलीशियस। मैं ऐसा बनता हूँ कि जो नॉन वेज के बिना नहीं रह सकता, बट यहाँ का जो खाना ऐसा था ना, इतना भयंकर, और ठंड इतना था कि खाना का मतलब बहुत मज़ा आया खाना खाने में, है ना। तो फिर अगर आप भी आते हैं तो आप ये जगह चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर रुके हैं हम लोग, यहाँ पर अच्छे से चल रहे हैं, वेल्डिंग काम चल रहा है यहाँ पर, और सुबह यहाँ पर फोटो शूट कर रहे हैं। सिगरेट सिगरेट दिला के यहाँ पर नेक्स्ट चल रहा है काम, वेल्डिंग काम चल रहा है यहाँ पर, अभी थोड़ा रुके पड़े हैं। और ये रहे अपने लौंडे, यो चलो। तो यही है आई थिंक, गाड़ी ये निकल गया तो हम भी निकलेंगे। चलो 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 चलो। यहाँ पर सुनो भाई को जहाँ पर भी कोई मिल रहा है फोटो क्लिक कर दे रहे। बाकी अभी ये जिस लोकेशन पर हम हैं वो चेक करें आप, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से बस इतना ठीक है, डैन चेंज आएगा क्योंकि ये लास्ट एंड है, इसके अंदर पूरा खाई है, तो अपना भी सेफ्टी रहना है। और एक जैकेट था वो उतार दिया मैंने ना, यहाँ पर थोड़ी धूप है, गर्मी होगी थोड़ी सी, यहाँ पर कुछ फोटो शूट करेंगे यहाँ पर, ये लोकेशन हमारा है। बाकी अपने टफर साहब तो आई गए, डायरेक्टर साहब फॉर दिस प्लेसेस एंड ऑल। ये लोकेशन चेक करें यार, क्या ही सुंदर जगह यार। गाइस एट प्रेजेंट जिस लोकेशन में हम हैं वो चेक करें आप, तो गाइस ये चेक करिए आप। दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये चेक करें आप गाड़ी का हाल, और ये मालिक साहब कमेटी बैठे अंदर।
पूरा पीछे से आगे तक सब जगह भर रखा है। अभी हम है तलक उत्तरकाशी पर, जहाँ पर भी है यहाँ से उत्तरकाशी से बेसिकली मेन उत्तरकाशी से हम 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और इस तरफ हमने चौबीन चौबीन खाया। अब यहाँ से भी यहाँ बोले कि यहाँ पर टेस्ट अच्छा है तो यहाँ पर भी हम ट्राई कर रहे हैं। बाकी थोड़ा खाते खाया, जलेबी लिया, जलेबी खाया, चौमिन खाया, पनीर खाया, ये और सारे चीज़ और भी और चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पर। बाकी इधर भाई बना रहे हैं तो खाते और आपसे जो हम रसगुल्ला अभी खाएंगे वो है इनके हाथ पर। अरे मेरा ब्लॉग खराब कर रहे हैं। और हमें मिला है ये चीज़ जो यहाँ के बने कहते हैं कि खुद के हैं बाल्टे। बाकी अभी इधर थोड़ा सा आराम करते हैं, रेस्ट लेते हैं और फिर निकलेंगे। बाकी ये अभी आपको ये जगह दिखाते हैं, ये देखो जगह भाई साहब कितने सुंदर जगह है ये। बाकी अभी हम जाएंगे उस स्टॉप में जाएंगे, वहाँ पर थोड़ा सा बैठेंगे, बहुत देर से हम ट्रैवल ही कर रहे हैं तो सोचा कि वहाँ पर जाए आराम से और टाइम व्यतीत करेंगे, आराम करेंगे, मज़े करेंगे, मिलेंगे फिर बाद में आपसे। गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ कहीं पर टॉप में, हिल टॉप में, वो बहुत जोश है। इतना तो भागता नहीं मैं जितना मैं पहाड़ में भागता हूँ एंकर। आपको टॉप लेके आऊंगा, रुको रुको रुको। अब कहाँ इन वादियों पे टकरा गए हैं। तो गाइस अभी हम एट प्रेजेंट में हैं, मसूरी से कम आई गेस 40-50 किलोमीटर्स दूर है ना। फिर इसके बाद धनौल्टी फिर मसूरी से वापस सीधा हम देहरादून जाएंगे वापस, है ना। तो अब हम रुकेंगे नहीं, है ना, डायरेक्ट वापस देहरादून आएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप आपको ये हर्षिल वाला जो सीरीज़ है ये आपको पसंद आया, एंड अगर पसंद आया यहाँ तक और आपने देख लिया है तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लाइक बटन को दबा देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं कर रखा है आपने तो वही प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं आगे टाइम पर जब भी मैं ट्रिक्स कवर करता हूँ या फिर कहीं घूमने जाता हूँ तो वो उन वीडियोस का लुक आप देख सकते हैं ना, घर बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हो। बाकी अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करूँगा, आई होप अच्छा लगा होगा आपको, फिर से कह रहा हूँ मैं ये चीज़। बाकी मिलते हैं बाद में, बाय, टेक केयर। तो यार ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया और ये हमारी चाय की सिप भी चल रही है एक जगह पे बैठ के रास्ते में, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, बताना कैसा लगा। और सचिन की चाय में चीनी कम है, चीनी ढल रही है उसकी चाय में, और ये आपका भाई चाय के सिप लेते हैं ऑर्डर लो भाई, बाय बाय, ख्याल रखो अपना, बाय बाय बोल दो, बाय। ये देखा सबने बाय बोल दिया, चलो अपना ख्याल रखो आप लोग।